अपने फरारी पे बैठने लगे हैं जाके महाराज साहब। ओए ब्रेक, ओए ब्रेक, ब्रेक ब्रेक जा। ऊंट का गोश्त है और किसका है? मगरमच्छ का है और एक ऊंट का है। ओए 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 ओए, चेक करें, तीन तीन जैकेटें इन्होंने पहनी हुई हैं। ये आगे इसकी फेमस चटनी जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बॉईल एग है तो कह रहा, और खाना जरीर भू कभी भी लगी हुई है भू। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो इधर मैं आया हूँ अपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ अपार्टमेंट मैंने लिखे ग्रीन एवेन्यू के अंदर था। बहुत ही प्यारी जगह है। और बाकी यार अभी जाते हैं व्लॉग स्टार्ट करने लगे, बाहर जाते हैं देखते हैं क्या करना है। इस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक चैलेंज ये दिया जाए, एक जो लंच होता है एक 50 वाला चीपेस्ट लंच जो सा होता है इस्लामाबाद के अंदर वो, और एक जो सा होता है हाइएस्ट जो सा होता है वो, ये दो एक दफ़ा करके ना वर्सेस करके कंपेयर करके एक दूसरे के साथ किया जाए। तो व्लॉग अब लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब अपने फरारी पे बैठने लगे हैं जाके महाराज साहब। An eternity later. ओए हो यार, कसम से इतने ज्यादा क्रिस्पी और जूसी समोसे यार, 50 में बस यही आएंगे। तो चेक करें, ये देखें, ये देखें, ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये तो हमें यही मिला है। ये भी 100 रुपए के मिले हैं हमें। दो समोसे थे और 7 पकौड़े थे। हाँ, दो समोसे, 7 पकौड़े थोड़े से। हाँ, चटनी भी नहीं मिली। इसके बाद हम जाएंगे खाना खाने, वो आपको बताएंगे कितने का आया और उसमें क्या क्या है। 100 रुपये में तो ये तीन चीज़ें ही मिली हैं। चैलेंज था, मैंने आपको दिखा दिया, वो हमने जो ले सकते थे हमने पहले खाने वाले के पास किए हैं यार, लेकिन वो खाना नहीं आ सकता 50 के अंदर ना, तो वो खाना तो आ नहीं सकता। तो हमने समोसे और पकोड़े का डिसाइड किया, हमने कहा वही ले लेते हैं 50-50 के। तो वो हमें दो समोसे आए हैं और साथ थोड़े से चुंगे में पकौड़े आए हैं जो कि जरीर ने बड़े शौक से खाए, गर्म गर्म ताज़ा तैयार करवा के विदाउट चटनी। चटनी नहीं दी बेचारा, वो जैसे होता ना जैसे पिज्जे के साथ केचप नहीं लेके गए साथ, ये वो सीन है, चटनी के बगैर इसका मुंह बना हुआ है। तो अब एक्सपेंसिव जो सा होगा वो अब लंच तो करने से रहे, हम रात को डिनर करेंगे, तो आपको साथ लेके जाएंगे एक्सपेंसिव डिनर। यार यहाँ पे किस जगह पे होगा तो पता लगेगा, ठीक है। इसके इशारों पर नहीं जाना, इसे बचपन से आदत है, इसे इशारे शुरू करता रहता है। ये जो डॉगी है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता रात को, बोल बोल के तंग करता है ना, ऐसे पता नहीं कुछ नज़र आती है रात को क्या सीन है, लेकिन ये बहुत, एक तो ये तंग करता है और एक ये तंग करता है। अब तो सर बोल दे। इनकी पैकिंग चेक करें, नीचे बोट कैसे पुदीना धनिया सारी चीज़ें साथ, पानी आ रहा है आँखों से हैं। ये हमारे प्यारे सेलिब्रिटीज हैं, ये वन ऑफ अवर आरव गिल एंड ही इज वन ऑफ अवर जरीर पांडा। सारा सामान उतार रहे हैं, बैग इतना प्यारा है, आरफ गिल साहब का बैग है, इन्होंने न्यू ब्रांड न्यू लंडे से लिखा है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये यहाँ की मशहूर जगह है, अफगानी यहाँ का बहुत मशहूर है। ये हमारे टू फ्रेंड्स हैं जो के यहाँ वेट कर रहे हैं। ऊंट का गोश्त है और किसका है? मगरमच्छ का और एक ऊंट का, ये लो ट्राई करो जी। धीरे ट्राई करेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन चेक करते हैं इस लेडी गाया का। इधर अर्जेंटीना का चेक करो जी। ओए होए होए होए, रोनाल्डो का। ये आगे इसकी फेमस चटनी जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये ड्रीज माने की अंकल देखे खा रहा है, स्पाइसी भी है। साथ ही चेक करें चटनी यहाँ की मशहूर, क्या ये देख सकते हैं आप, ये गिल साहब बैठे हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, और ये है जी हमारे उजाफा साहब। चेक करें,
तीन तीन जैकेटें इन्होंने पहनी हुई हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या पकड़ी? सबसे पहले ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से दैट शरीर कौन सा है इसे मैं लेके आया हूँ इधर अफगानी टिक्का पे जी नाइन वाली साइड पे है जो इधर इसका ये जो है अफगानी ये बहुत फेमस है। मैं चाह रहा था किसी एक्सपेंसिव जगह जाएं ताकि आप लोगों को व्लॉग में दिखा सकूं कि कितना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये इसने अफगानी ट्राई नहीं किया था तो इधर हमने दुम्बे का गोश्त जो था वो ट्राई किया और वो बहुत ही ज़्यादा यू नो हमदर्द। तो बस यार अभी वापस जा रहे हैं। ये जरीर है तो जरीर ने पेट भर के खाना खाया और खाना ये तो कह रहा है और खाना। जरीर भूख अभी भी लगी हुई है भूख। अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। अभी ये हमारे राइडर हैं इनकी कैब चेक करें। एक कैब ली है ऊपर दूसरी कैब पहनी ऊपर चादर दस्ताने ये दो दो उसने ट्राउजर पहने दो दो बूट पहने हुए हैं। जो डॉक्टर को देना है ना 100-150 रुपया वो बंदा बचा ले। ठीक है ये जरीर पांडा का भी इसका यही हाल है। चेक करें कैब नीचे जनाब जी चादर इसके नीचे जर्सी उसके नीचे फिर सलवार कमीज उसके नीचे और देखें ये देखें ये जुड़वा भाई बहन भाई बहन भाई बहन जुड़वा भाई बहन। अभी चाय पीने आए थे लेकिन भाई ने क्या कहा पहले यहाँ से कुछ चीज़ खा लें। ये यहाँ से अब दो गुलाब जामुन लिए हैं हमने। गुलाब जामुन हाँ गुलाब जामुन लिए गुलाब जामुन लिए हमने। ये चेक करें वाह भाई अभी हम आए हैं गुलाब जामुन गुलाब जामुन खाने। समझ रहे हो समझ रहे हो ओए 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 ऐसे कैसा भयन मज़ेदार। जोन से दो हमारे साथी थे वो रास्ते में गुम हो गया उनका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे रुके और अभी हमने यहाँ पे गुलाब जामुन खाया है गुलाब जामुन खाया है ना भैया गुलाब जामुन नहीं गुलाब जामुन खाया हमने और अपने साथियों का वेट कर रहे हैं वो आएंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे चाय पीने। अभी जोन से हमने गुलाब जामुन खा लिए थे अब ये अंडे 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 यहाँ देख सकते हैं आप लोग ठंड की वजह से रेड हो पड़े हैं बिल्कुल। ये कौन से बॉइल एग हैं एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं है ठंडे गरम अंडे ठंडे हैं। चलो जी अंडे वगैरह खा के अभी यहाँ पे आ गए चाय पीने डबल पैकेज लाके आया कोई है बल्ली ट्रिपल है ये लोग गुम हो गए थे तो हमने अंडे भी खाए हैं और गुलाब जामुन भी ओए मैं पागल पागल हो गया। चाय आ गई है और गिल साहब ने ख़त्म भी कर दिया ये देखें क्या स्पीड है इनकी यार और इन्होंने भी ख़त्म कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है खाना खा लिया था हमने खाना खाने के बाद हम गए थे अंडा वगैरह अंडे वगैरह खाए थे उसके बाद चाय पी थी और अभी ये भी हम घर पहुंच चुके हैं। ठीक है रात भी काफ़ी हो गई है सर्दी भी है बाहर और थकावट भी हो चुकी है बस अभी सोने की तैयारियाँ कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।